नमस्कार दोस्तों, कुछ महीने पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है शटरस्टॉक या बाकी सारे वेबसाइट में अलग से कंट्रीब्यूट करने के लिए, इसीलिए मैं अपना पूरा फोटोज़ वायर स्टॉक में अपलोड करूँगा। लेकिन वहाँ पे मैं एक शर्त रखा था अपने आप से, एक चैलेंज था कि अगर 500 फोटोज़ अपलोड करने तक कोई भी सेल नहीं होता है तो मैं वायर स्टॉक क्विट कर दूंगा और फिर मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा शटरस्टॉक या कोई भी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपने वो वाला वीडियो मेरा देखा था और फिर आप मेरा चैनल के कोई भी वीडियोस नहीं देखे हो और डायरेक्टली आप ये देख रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए एक अपना वायर स्टॉक का अपडेट वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि आप वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसा अगर नहीं आप चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, सारा नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो आपको पता चल जाए टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है, माई कंटेंट, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिटेड है 455, मतलब 500 तक तो मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं बचता है। मेरा बेटा रहता है घर में एंड हॉस्पिटल में मैं बिजी रहता हूँ, जो भी है। तो 500 तो अपलोड नहीं हो पाया अभी तक, 455 ही अपलोड हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा रिजेक्ट भी हुआ है, बहुत रिजेक्ट हुआ है तो वो मैं डिलीट कर दिया हूँ। तो अभी तक मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ है 455, 455। देखिए यहाँ पे 8 फोटोज प्रोसेसिंग पे है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर एक बात है वायर स्टॉक का, आपको अगर सबमिट करना है कमर्शियल फोटोज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एडिटोरियल है तो आपको खुद से कीवर्ड डिस्क्रिप्शन देने होंगे। ये मैंने खुद से कीवर्ड डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो है मेरा सेल्स। तो डेफिनेटली मुझको सेल्स मिला है, सो आई एम नॉट क्विटिंग वायर स्टॉक। मेरा जो टोटल सेल अमाउंट है वो है $15.37। कितना दिन में हुआ है ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 4 महीना पूरा एंड 4 months 6 days, ठीक है। इतने में मेरा अर्निंग हुआ है $15.37। तो अगर आप मुझसे पूछे ये तो बहुत कम है, तो हाँ डेफिनेटली ये बहुत कम है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ भी बहुत कम है। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको तो सर 3000 फोटोज़ में शटरस्टॉक या दूसरे वेबसाइट से बहुत अर्निंग हो रही है। जी हाँ, मेरा ऑलमोस्ट $200 पर मंथ, उससे ज़्यादा अर्निंग होता है, लेकिन यहाँ पे 4 महीने में $15 हुआ है। फिर भी ये सब फोटोज़ अगर मेरे हार्ड डिस्क में पड़ा रहता तो उससे कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इससे अच्छा एटलीस्ट ये है कि बिना कुछ एफर्ट दिए, वेल एफर्ट तो इतना था कि मैं अपलोड किया, बाकी टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा वायर स्टॉक ही दिया मेरे लिए, तो उससे $15.37 तो आ गए। एंड जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा सेल्स भी बढ़ता जाएगा और मैं आपसे अपना प्रोग्रेस शेयर भी करता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एकदम जब शुरुआत में था मेरा दिसंबर मंथ में तो ओनली 38 सेंट्स हुआ था, फिर जनवरी फुल जनवरी मंथ में $4.69, फेब्रुअरी मंथ में 5.24, मार्च में थोड़ा कम हुआ 4.82, एंड अप्रैल में कुछ ही दिन हुआ है, 6 दिन अप्रैल के, वहाँ पे 0.24, मतलब 24 सेंट्स ही हुआ है। एक बात है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वायर स्टॉक पे मेरा बेस्ट सेलर सारा अडोबी स्टॉक पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा वैल्यू $15.37 में से अडोबी में $9 सेल हुआ इन अडोबी, जो कि ह्यूज है क्योंकि यहाँ पे मेरा डाउनलोड ओनली 12 हुआ है और $15 हुआ है मेरा शटर स्टॉक, आई मीन 15 सेल्स हुआ है शटर स्टॉक में, वहाँ पे मेरा $2.37 ही हुआ है। एंड बाकी आप लोग जो मेरा रेफरल लिंक से अपना अकाउंट साइन अप किए हैं, आप लोगों का को भी सक्सेस मिल रहा है। तो ये 118 में रेफरल डाउनलोड्स हुआ है जहाँ से मेरा इनकम हुआ है ऑलमोस्ट $4, ठीक है। सो नंबर वन, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये है मेरा वायर स्टॉक का अपडेट। जो लोग अभी तक वायर स्टॉक में साइन अप नहीं किए हैं वो मेरा रेफरल लिंक से कर सकते हैं, रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, वायर स्टॉक में अपलोड किया हुआ फोटोज़ आप कोई भी दूसरे एजेंसी में अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वायर स्टॉक आप ही का फोटो वाया देयर अकाउंट वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो इसी रूल के चलते अगर आप सेम फोटो वायर स्टॉक, शटर स्टॉक, अडोबी स्टॉक में अपलोड करते हैं तो आपका तीनों अकाउंट एक साथ ब्लॉक्ड हो जाएगा डुप्लीकेट कंटेंट के चलते, ठीक है ना। तो
अभी तक मेरा पेमेंट हिस्ट्री पेमेंट कुछ भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ मिनिमम पे आउट बैलेंस, जब मैं रीच कर जाऊँगा तब मैं पेमेंट लूँगा वायर स्टॉक से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट कीजिए। आज का कमेंट ऑफ द डे है वायर, WIRE। आप अगर वायर कमेंट करेंगे तो मुझको पता चलेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फोटोग्राफर, कज़िन के साथ जो फ़ोटो खींचना पसंद है जिन लोगों को। और अगर आपका इंग्लिश बहुत पुअर है, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है शटर स्टॉक या अडोबी स्टॉक वेबसाइट में टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड डालने में, तब तो आपको 100% वायर स्टॉक ट्राई करना ही चाहिए। रेफरल लिंक मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवेज, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नया एक्साइटिंग हिंदी वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।